अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब्बास लर्निंग स्टूडियो में खुश आमदीद। जी हाँ, आज आपके सामने हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल में किस तरह से कार्टून बनाएंगे। कार्टून बना सकते हैं, उसकी छोटी छोटी सीरीज बना के उसकी डबिंग करके अपना चैनल पर अपलोड करें और लाखों कमाएँ। तो ये लाइव प्रूफ करके आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आपने डाउनलोड करना है, किस तरह से यूज़ करना है अपने कार्टून बनाने अपने मोबाइल में। बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिसमें जिसके अंदर कार्टून बनाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर करेक्टर्स को पैसे दे के परचेज करना पड़ता है। तो इसमें आपको बहुत से अनलिमिटेड करेक्टर्स मिलेंगे जिसको आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो आप भी इस तरह से अपने छोटे छोटे करेक्टर ले के अपने बना के वीडियोज़ को पैसे कमा सकते हैं। तो चलें आपको दिखाता हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, ये है सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसको आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। ये देखिए लिखा हुआ है इस पर, शॉर्ट स्टोरी, क्लासिक स्टोरी, ये देखें, साइंस रिपोर्ट। ठीक है जनाब, एनीवन कोई भी आप क्लिक करें। अभी हमने साइंस रिपोर्ट पे किया है। तो किस में आप बनाना चाहते हैं, इसमें आपको बहुत से अनलिमिटेड आपको मिलेंगे, करेक्टर्स भी मिलेंगे, ऑप्शंस भी मिलेंगे। बस स्पेस है, हाई स्कूल है, ये देखें जी। आप ख़ुद भी सेटिंग कर सकते हैं, जौन सा भी उसमें जाना चाहें ऑप्शन में। ठीक है जनाब, तो अभी हम सलाम यही कर लेते हैं ना। ठीक है, इस पर हमने करेक्टर्स कौन कौन से डालने हैं। ये चीता डाल दिया हमने, कौवा डाल दिया साथ में। ठीक है, देखें कितने इसमें करेक्टर है ना, इसकी डबिंग करें आप। डबिंग करें, कार्टून बनाएं, पैसे कमाएं, अपना चैनल बनाएं उस पर। ये देखें कितने करेक्टर्स हैं, ये देखें। ठीक है, मतलब एक में हमने ये करेक्टर चुने, इसके बाद हम इनको हम पहले एडजस्ट करेंगे। तो ये अलहदा साथी हैं, तो इनका फॉर एग्जांपल हम ये कौवा भी इनके साथ बिठा देते हैं। तो अब ये आ गई है गुड़िया। ठीक है, सांप इसको हम अभी इसके साथ बिठा देंगे अभी। ठीक है, ये अब ये अलग-अलग साथी हो गए। और चीता, चीता भी इनका साथी हो गया। अभी आपके लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल के लिए हम छोटी सी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो अभी ये हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग अभी ये वीडियो स्टार्ट होना शुरू हो गई। चलो जी, अब ये स्टार्ट है। अभी इसकी जगह डबिंग करते हुए हम ये अभी चीता मैं इसको लेके जा रहा हूँ, उसके बाद मैं कौवा लेके आऊँगा। ठीक है, अभी कौवा आ गया इनके पास, वो उसके पास मैसेज देने गया, तो ये कौवा इनके पास आ गया। ठीक है, अब मैं सांप को इसके पास भेजूँगा ना, ये सांप आ गया इधर। ठीक है, तो ये अब आ गया इसके पास।
मतलब आप खुद जो हैं जोन सा करेक्टर को जिस तरह यूज़ करेंगे डबिंग करके, तो उसको लेके आ सकते हैं। डबिंग करना मुश्किल नहीं है, इसके बटन कोई वो नहीं है कि बटन को ये करेंगे वो करेंगे, ओनली स्क्रीन को आपने क्लिक करना है, उसको आगे लेके जाना है। जैसे ये मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, इसको इसके साथ डबिंग करते रहेंगे, ठीक है। ये ठीक है जनाब, ये हमने स्टोरी बनाई आपके सामने। अभी जैसे मैंने चलाया था, अभी वो जा रहा है ना चीता, इसको मैं ऐसे लेके गया था, ठीक है, वो जा रहा है। इसके बाद वो कौवा आएगा, ये नीचे इसके साउंड है। अभी कौवे को भी हम लेके आए थे, ये देखें, ये साउंड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जनाब, ये देखें, अभी जोन सा साउंड एडजस्ट करें, बस अपना माइक कोई अच्छा सा रखें जिसमें आप डबिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टोरी आपकी बन रही है। ये देखें, ये सारा मूव करा रहा था ना मैं, इसको आपके सामने है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इस वीडियो को हम सेव करेंगे जो हमने बनाया, तो प्रेस किया ओके और फिनिश कर दिया। ये हमारी ये पहली स्टोरी बन चुकी है, ये हमारी सेव है, ठीक है। इसको हम अभी नेक्स्ट कलेक्शन कर सकते हैं, इसमें से कौन सा करना है हमने वो भी कर सकते हैं, तो फिनिश करेंगे। तो ये हमारी स्टोरी को टाइटल देंगे, कौन सा भी माइक और टोन या कोई भी, अब चीता लिख दें, चीता स्टोरी, चीता स्टोरी। ठीक है जनाब।